सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई, लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था जेल के अंदर। सर आपके सामने ही आज क्या हुआ, क्या हुआ सिद्धू साहब, सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का माता नहीं, और ये लोग कब जाएं, कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा, खड़े हैं वो आज भी खड़े हैं वो। सर जेल के अंदर दूसरी बात नहीं 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 नहीं, यहाँ आज की बात कर रहा हूँ, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है, और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं। मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं, जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा तुमने, पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बनकर रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा, इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शमा महफिल में जलती रहेगी सिद्धू जैसे परवाने। अब भगवंत मान की बात, मैं कह रहा हूँ ना, भगवंत मान साहब मैं याद कराता हूँ, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करा, किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही, ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्या सी वी कर्जा चुक के 25,000 दा, 25,000 करोड़ दा तू फ्री बनेगा किसे नूं, ते ओह कर्जा किने मोड़ना मित्रा, ओह कर्जा पंजाब दे लोकां ने जवाक जमदा, 1,00,000 करोड़ रुपये दा कर्जा हुंदा उहदे सिर ते, ते अज दा तू लेटिया पिया सेंटर दी सरकार दे मूहरे, उदों तू चन्नी नूं कहिंदा सीगा BSF क्यों आई, BSF क्यों खड़ी इत्थे, कड़ी डील करके आया, ते हुण मैं तैनूं पुछदा भी सारे बार्डर से BSF खड़ी है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर BSF खड़ी है, सेंटर भी उन्ना जुम्मेवार है इस लॉ एंड ऑर्डर का जिनी साड़ी सरकार, इतने पक्ष लैण वाली गल है। दूसरा केजरीवाल साहब, ते तू एक बीबी कहती सी शीश लहा देंगे तइयो फसलों के उत्ते, MSP देंगे शीश ला लो, कितने अशीस, बरगाड़ी का इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया वो बरकारी का इंसाफ, 24 घंटे में हो जाएगा, पैसे सुन ला मित्रा, मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचता ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू आज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू लई, मैं कोई गल तू मेरा छोटा भाई रहेगा, सुन ला मित्र प्यारे 50,000 करोड़ कितने है, कितने है केजरीवाल साहब जो कहना 20,000 करोड़ रेते चो कू, 30,000 करोड़ बजट चो कट लू, फिर पंजाब के लोगों से लाओ, 2 रुपये नहीं कटे, तुसी कहने हो रेता लोगों लिए खोलता, रेता आज भी ठेकेदार लिए खुला है, रेते की ट्राली जो कांग्रेस की सरकार सी 3700 रुपये 3 सैकड़ा सी, अज 12,000 रुपये 3 सैकड़ा, किहड़ा गरीब ले लू सारी रुक जूगी। फिर एक्साइज पॉलिसी, तू कहना कारपोरेशन बनावांगे, रेते की कारपोरेशन बनावांगे, 1,00,000 नौकरियां देंगे, बस कितने है बजट, कहते दस्या किसी नूं भी पैसे लियाएगा कितों, अखबारां जी विकास कराया लोगों का मूर्ख बनाया है जी, अखबारां जी फोटो खिचाण तो एडवर्टाइजमेंटा देने तो वेल नहीं मिलिया, धूड़ च यारो तू टट्टू उड़ाया, एक गल सुन लो ध्यान नाल, पावर सेंट्रलाइज कर ली, 30 मिनिस्ट्रियां एक बंदे दे कोल ने, पंजाब दा विकास ठप पिया है, लोग त्राही त्राही करते हैं, समझे नहीं, डॉक्टरां दी गल इन्हां नूं यही नहीं पता भी MLA हैं कि नहीं,
जाके उत्थे हस्पतालां खड़ जांदे आ डाक्टरां नूं गालां कढ़न लगदे आ किहड़ा कानून बनाया है मैनूं दसण फिर कहिंदा मैं इहनूं अंदर दे दूं मैं उहनूं अंदर ओ मैनूं दे ओ मित्रां अंदर तूं जिथे देणा विजिलेंस इंक्वायरियां काफी चल रहियां मैं कहा जिन्नी मर्जी कर जिहड़ा करप्ट है फिर उहदों पैसे बरामद कर की फायदा होया जे तू किसी जेल च दिता उहदा मकान सीज कर उहदे पैसे जिहड़े उहने करप्शन दे कीते सीगे पंजाब दे खजाने जमा कर किन्ने पैसे जमा कराए तां जे कांग्रेस सीगी ते 16,000 करोड़ रुपया साल का चढ़ता सीगा करजा तेरे होंदे 25-30,000 करोड़ चढ़ गया PSPCL दी मैं गल नहीं कर रहा तनखा नहीं दित्ती जानी मित्रा जितन सेंटर ने बंद करता ठूठा लैके तू 40,000 करोड़ रुपया मंगन गया मित्र प्यारे कानून व्यवस्था के बारे मैं सिद्धू मूसेवाले के घर जाके बोलांगा।